गाइस ये अभी जिंदा है और ये कैसे अपना शरीर आठ रहा है, ये देखिए कैसे पलट रहा है। तो अभी तक काट लिया होता। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस सुबह के 10:29 हो रहे हैं और फिलहाल हम भाभी के रूम में हैं और अलीजा और आशिफ स्कूल गए हैं और आलिया है जो बैठी है यहाँ और इनाया जस्ट सो के उठी है। ये देखिए अभी रो रही थी तो हम इसको ना किसी तरह ये बॉटल दे के चुप कराएं। और गाइस हमारे खेत में ना जो गन्ना बोया गया है वो उसमें कोई ना गाड़ी गिरा दिया वहाँ और जो गन्ना है ना वही टूट गया है, काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तो आइए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। चुप कराओ इसको, इसको चुप कराओ, रो रही है, बॉटल दो। हाँ चुप कराओ, हाँ खिलाओ। गाइस आलिया बॉटल दे रही है इसको, रो रही है, खिलाओ और दो बॉटल। हाँ सेवई बना है। तो हम जा रहे हैं स्प्लेंडर से, बाइक हम यहाँ खड़ी कर दिए हैं और हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो गन्ना टूटा हुआ है। पापा कह रहे हैं कि अर्शद खेत में कोई कार गिरा दिया है तो गन्ना जो है ना टूट गया है। और पता नहीं कैसे भाई इतना चौड़ा रोड है और हमें लगता है कोई सीख रहा होगा तो इसलिए उसमें कुदा दिया भाई। और गाइस हम अपने खेत में ना हम पहुंच गए हैं, देखिए काफ़ी वहां से लेके वहां तक इसमें गन्ना टूट गया है। और देखिए अब इसमें अब गन्ना हमें लगता है दो चार महीने में ये काटा भी जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। और देखिए यहाँ से और गाड़ी जो आया है ना इस साइड से आया इधर से और इधर से आके और डायरेक्ट इसमें गिरा दिए हैं। और पता नहीं किस तरीके से वो आदमी चला रहा था भाई, इतना चौड़ा देखिए आप बताइए, इतना चौड़ा रोड है और कैसे लाया कि बंदा इसमें गिरा दिया। और काफ़ी गन्ना नुकसान हो गया है। जो भाई खेती करते हैं ना उनको पता होता है कि नुकसान क्या होता है। और कहा चलिए कोई बात नहीं, अब तो गिर गया है सो गिर गया है, तो अब नुकसान हो गया है तो क्या कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ देखिए, ये देखिए अब ये ना, अब भाई 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अब इस समय बारिश नहीं हो रही है तो गन्ना जो है ना सूखा, हल्का हल्का जो पत्ता है ऊपर का वो सूख रहा है। तो हमने पापा से बोला था कि पापा पानी देना पड़ेगा, कह रहे हैं कि देखो अगर बारिश नहीं होगी तो पानी देना पड़ेगा, अगर बारिश हो गई तो पानी नहीं देना पड़ेगा। और फिलहाल अब ये बड़ा भी हो गया है तो देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। अब आए थे गन्ना जो नुकसान हुआ है तो बगल में धान की जो रोपाई हुई थी वो भी अब देख लेते हैं हम, वो धान कैसा है। तो हमसे बड़ा ये गन्ना हो गया है काफ़ी ऊंचाई तक। और फिलहाल ये देखिए कितना मस्त हरा हरा है। और धान भी देखते हैं धान का पोजीशन क्या है। फाइनली हम खेत में पहुंच गए हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये जो धान की रोपाई हुई है और मस्त हरा हरा है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फिलहाल इसमें पानी अब नहीं देना पड़ेगा तो मस्त लग रहा है। ये जो धान जो है ना कितना अच्छा लग रहा है, और ये काफ़ी मस्त हो गया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो हम धान भी देख लिए जो हमने रोपाई की है, वो धान पौधा भी सही है। घर में गाइस ना स्नेक आ गया था तो अभी बिस्तर पे चढ़ा था, हम जैसे बैठे हैं वहाँ से तुरंत नीचे बाहर आ गया। ये देखिए कार के पास है तो हमने इसको तुरंत मार दिया, ये देखिए अभी काट लिया होता। गाइस ये अभी जिंदा है और ये कैसे अपना शरीर आठ रहा है, ये देखिए कैसे पलट रहा है भाई। ये बिस्तर के नीचे ना मम्मी वही थी और ये तुरंत वहाँ से निकला है भाई, काटने से बच गया भाई, नहीं तो अभी तक काट लिया होता। अभी जिंदा है, मारने के बाद भी जिंदा है। इसको फेंक देते हैं गाइस ना, अचानक से वहाँ बिस्तर के नीचे से निकला और वहीं थे हम भी थे, मम्मी थे और तुरंत हम देखें कर मम्मी सांप सांप भाई, तुरंत बाहर निकला है तो कार के पास आया तो हम तुरंत वहाँ लाठी लेके हमने उसको मार दिया है, नहीं तो काट लिया होता तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती। तो भाई आज बच गए यार, इस समय बारिश नहीं हो रही है ना तो जो स्नैक हैं कहीं भी घर में नाली में कहीं भी निकल जा रहे हैं और कहीं से भी घुस जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है भाई। आज बच गया यार, कब जान चली जाती है कोई नहीं जानता, बच गया भाई। हमने सांप को फेंक दिया है, चल रहे हैं। और भाई छोटा ही था लेकिन भाई हालत ख़राब कर दिया है बिल्कुल, ऐसे धड़कन जो है ना काफ़ी तेज़ हो गई, क्या बताएं भाई।
गाइस अगर वहाँ छोटे बच्चे होते बाय द वे इन आया होती अलीजा आलिया और आशिफ होते भाई काट लेता तो बहुत दिक्कत हो जाती, घर में किसी को भी काट लेता तो दिक्कत होती। वहाँ से तुरंत निकला है, कार के पास आया, कार के पास हमने उसको ना भाई गाइस लाठी से हमने उसको मार दिया है। अब जान बची भाई, नहीं तो किसी ना किसी को काट लिया होता। बहुत रिलैक्स अलीजा, क्यों सोई हो? मोबाइल देखोगी? क्यों? अरे नाक से क्या निकाल रही हो यार, क्या निकाल रही? फेंक रही हूँ। अच्छा फेंक रही हो। आलिया तुम क्या कर रही हो? बोतल में, अरे बोतल में तुम कपड़ा क्यों डाल रही हो? अरे इसको निकालो, हाँ बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसमें हम लोग पानी पीते हैं ना यार, इसमें बैक्टीरिया चला जाएगा तो हमारे पेट में चला जाएगा ना। अरे तुम मार क्यों रही हो हमको? फिर अलीजा तुम मोबाइल ले ली। क्या देख रही हो? देखे हमको भी दिखाओ। अच्छा ये लोग, अच्छा वीडियो देख रही है, वीडियो नहीं देखता। इन दोनों को देखिए, इन दोनों ना, तुम क्या कर रही हो अलीजा? इनाया ए, तुम क्या कर रही हो अलीजा? ये कपड़ा लेके ना ये खेल रही है, इसको देखिए अभी डांस करेगी। डांस करोगी क्या? हाँ क्या कर रही हो यार? अच्छा बिछा के लग रहा है बैठेगी क्या इस पे, देखते हैं बैठती हो क्या करती हो। अलीजा आसिफ भैया कहाँ हैं? अच्छा बाहर हैं। अरे यार तुम कपड़ा लेके नीचे पोछा लगा रही हो, अभी पानी गिरा के ना कपड़े पे और ये पोछा लगा रही है, ये देखिए और इसको मजा आ रहा है। और इनाया ये कारपेट, ये देखिए कारपेट उठा रही है। अरे अरे छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, हाँ। और यहाँ अलीजा यहाँ हंस रही है, अरे वाह अलीजा वाह, मजा आ रहा है। हाँ स्कूल का आज दूसरा दिन था ना? अच्छा स्कूल में क्या हुआ, कुछ हुआ है बताओ, क्या हुआ था बताओ? आसिफ सोए थे क्या? अच्छा आज स्कूल का तो दूसरा दिन था ना? जैसे बस में ना, हाँ हम आते हैं तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत हो रही बताओ? जैसे गर्मी होती है, हाँ विंडो के पास बैठते हो तो वहाँ कर, अरे यार देखो धूप तो हो रही है तेज, जो खिड़की है ना, हाँ बंद करते हैं ना, जो ग्लास है, हाँ उसका शीशा जो अंदर से ये धूप नहीं मारता है, हाँ वैसे ही मुंह पे सीधा आता है। अच्छा था उसका हवा जो लगता है, धूप का जो धूप लगता है सीधे फेस पे, हाँ मुंह पे लगता है। अच्छा चलो कुछ दिन की बात है, और धीरे धीरे बड़े हो जाओगे ना, जब मैं बस लगेगा ना, जब मैं उतरूंगा ना, तो आप अपनी ना मोटरसाइकिल लेके वहाँ पे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो और स्कूल में कैसा लगा तुमको? ठीक है। दूसरा दिन ठीक ठीक था, बढ़िया ना? हाँ। अच्छा और यार तुमको पता है अपने घर में स्नेक आया? कौन सा? अरे यार स्नेक था वही, अब यार उसका नाम तो नहीं पता है, 1 फीट का था। और घर में ना भाई अगर बच्चे होते तो उसको पकड़ लिए होते और बच्चों को काट लेता। हम लोग भाई, हम लोग बड़े हैं तो हम लोग देख के तुरंत हट गए वहाँ से, नहीं तो सांप काट लिया होता। सो फाइनली गाइस हम डिनर कर लिए हैं और रात के 9:14 हो रहे हैं। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।